मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है, तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो जूते में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के जूते में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत गुड बहुत गुड सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंद कर, जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म करी यार, मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक दावत भी देते हैं ना तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहे हैं कि तलबा खाएंगे, बुला के खिलाते हो। आओ दावे के साथ कहता हूं, जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रखी हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कजा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है जो 3,00,000 बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है जो रात में 1,000 रकात नफल पढ़ता हो। उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिसे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन 3 सीखने वाला हो, उसे ला के बैठा दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे, खुदा की कसम जैसी आज सालन में आएगा अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये कुरान वालों का इजाज़ है। इज्जत किया करो, उनसे ला रहे हो ताबीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा। औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने, हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा, उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसत में ना हो और मेरी ताकत में हो तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं। जब इनके हाथ उठेंगे ना फिर महबूब की नजर करम होगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएंगे। इन्हें लाया करो ना, इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो हमारा उसूल यह कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा, खुद अंदाजा लगाओ। जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा। इसलिए अगर बरकत ना हो ना तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतजार तो शायद कुछ दिनों का होता है लेकिन कुरान का इंतजार बरसों का होता है, बड़ी बात है। और अगली बात कहूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया है। वो माए सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला, वो बहने मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका श्रीलंका अमरीका फ्रांस का टिकट नहीं देंगे, जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे, बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बापों से गुजारिश करूंगा, जुमले दिए जाते हैं मौलवियों ने बेड़ा गरक करके रख दिया कौम का, हमने कौम का बेड़ा गरक नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गरक नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गरक करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं, और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं 10 बजे नहीं 12 बजे उठा करते हैं उनके बेटे तबाहियों के कार्य अमीक में जाके गिर जाया करते। बेशक 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 हक, बुरा ना मानना, तारीख गवाह है। माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं, माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद।
माँ बाप के सामने कुछ नहीं, लेकिन माँ बाप से गुजारिश है 3 बजे तक तू पबजी खेल ले, 4 बजे तक तेरा लल्ला खेलेगा, है ना। बेटे पे 6 इंची का मोबाइल है, अब्बा पे 12 इंची वाला। वो कह रहा तू बेगैरत तो मैं महा बेगैरत हूं। तो फिर कह रहा साहब मौलवियों ने मुआशरा खराब कर दिया, इतनी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ सुधार तो आना रहा। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन। नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन। कुछ तो कहना, अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बते रहे, मैं इसलिए नहीं सुनता, ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है तो तुम खानदान छोड़ देते हो, लड़ाई घर में भी होती है तो क्या घर छोड़ देते हो, लड़ाई बीवी से भी होती है तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाना ही हल है तो फिर आप कैसे जिंदा है। मेरी गुजारिश आपसे है, हर गलत काम का जिम्मेदार अपनी कौम के जिम्मेदारों को ना ठहराओ। जी सही बात, आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तू खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए दुआ मांगी। जिस तरह टू वेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो फिर आंसू बहाने के आदि बनो। सरकार मखदूमे माहिमी बहुत बड़ा नाम है, मुंबई में आराम फरमाने वाली जात है। होश संभाला, यतीमी कदा सीने पे था, कहने लगे मां मैं पढ़ना चाहता हूं। माँ का इकलौता लाल है, सुने बहुत गौर से, इकलौता लाल माँ का। माँ ने कहा शहजादे अगर तू चला गया तेरी बड़ी याद आएगी, बाप की निशानी है तू, तुझे देख के कलेजा ठंडा होता है। कहने लगे माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और गधे कहते हैं कि नहीं नहीं ये मौलवियों की लाइन अलग है, फकीरों की अलग है, फकीरों की नहीं टीचरों की अलग है। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है, अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। सीधी सी बात है, वली नहीं, इल्म नहीं तो जोर से नौजवानों चक्कर में ना पड़ना तावीज के, नतीजा इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। आप बोलेंगे तो आगे चलूंगा, मुझे लगना चाहिए वली नहीं। आप इल्म नहीं तो वली नहीं है। मखदूमे माहिमी कहते हैं अम्मी मुझे पढ़ना है, माँ कहती है ना जाना तेरे बगैर जी नहीं लगेगा। जब जिद की ना आपने, इधर आप रोए उधर माँ रोने लग गई, कहने लगी बेटे 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाता है ना माँ बेकरार हो जाती है, और तू जा रहा है। आज की तरह मदरसे तो दरवाजों पे नहीं थे ना, चौखट में मदरसे नहीं थे, कई कई दिनों का सफर करके मदरसे हाथ आया करते थे, कई कई मदरसे होते थे कहीं कहीं। ना जाना बेटे, माँ ने रो के जब इतना कहा ना, फरमा बरदार बेटे थे, माँ से लिपट गए। कहने लगा माँ ठीक है चल तेरी मर्जी है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है। रो दिए, जब रोते रोते माँ के कदमों से लिपटे ना, माँ के हाथ उठ गए। कहने लगे अल्लाह मेरे बेटे की तालीम का घर पे इंतजाम फरमा दे, ये इल्म के बगैर नहीं रह सकता, मेरे मालिक मेरे बेटे की तालीम का इंतजाम फरमा दे। माँ के हाथ उठ गए थे, जब दिल बेकरार हुआ कहने लगे सुकून कहाँ मिलेगा, तसल्ली के लिए दरिया के किनारे गए, एक पत्थर पड़ा था जाके बैठ जाते हैं, आंसू बहा रहे हैं, ख्याल आ रहा है शायद जिंदगी में इल्म नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में बड़े हसीन व महजबीन बड़े खूबसूरत बुजुर्ग के चेहरे की जियारत हो जाती है। आते हैं, आने के बाद कंधे पे हाथ रखा, बच्चे बताना यार क्यों रो रहा है। मखदूमे माहिमी ने कहा था जनाब चले जाइए, ये मेरा दर्द है मुझे रोने दीजिए, आप क्यों पूछना चाहते हैं। कहा बेटे बता दो, हो सकता है तेरे दर्द का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने कहा पढ़ना चाहता था, माँ ने दूर जाने की इजाजत नहीं दी, घर पढ़ाने कौन आएगा, इतना सुनना था। आने वाले ने कहा आंसू पोंछ ले, कोई आए ना आए, आज के बाद तुझे पढ़ाने के लिए हम यहां आते रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान, हम यहां आएंगे। कहने लगे आप कौन। कहने लगे मुझे खिजर अलैहिस्सलाम कहा जाता है।
सुभान। मुझे खिजर कहा जाता है, कहने आएंगे हुजूर? कहा हाँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कि ये बात राज रहेगी, बताना नहीं है किसी को हम आते। जिस दिन तुमने बता दिया हम उसी दिन चले जाएंगे, फिर नहीं आना है। कहने लगे मंजूर है, शर्त मंजूर हो गई। रोज अपने वक्त पे आते, पढ़ के चले जाते। कई दिन हो गए, एक दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटे कहाँ चला जाता है? बहुत ढूंढती हूँ, मिलता नहीं है। इतना सुना बिजलियाँ गिर गईं। अगर झूठ बोलते हैं तो सामने माँ खड़ी है, सच कहते हैं तो खिजर अलैहिस्सलाम का दामन छूटता है। बड़े सशोपंज में रहे। माँ ने कहा बोलना बेटे, बोलता क्यों नहीं, कहाँ जाता है? दिल ने फैसला कर दिया, पहले माँ के लिए मदरसा छोड़ा था, रब ने खिजर भेज दिया था, आज खिजर छोड़ दूंगा, माँ को रब कोई और इंतजाम फरमा देगा। कहने लगे माँ पूछा है तो सुन, मुझे रोज खिजर अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते। माँ तो माँ थी ना, रोज खिजर आते हैं। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, मुबारक हो शहजादे, तुझे खिजर पढ़ाने आते हैं, बेटे रोज पाबंदी से जाना। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगे माँ अब किधर जाना है? खिजर से वादा हुआ था, किसी से बताना नहीं है, आज मैंने राज खोल दिया है। ए माँ अब खिजर पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुना माँ ने सीने से निपटाया, आँचल उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, मेरे बेटे ने अपनी मेरी मर्जी के लिए, मेरी खुशी के लिए तेरा खिजर छोड़ दिया है। ए मेरे रब तेरे खजानों में कोई कमी रखी है। ये कह के माँ ने दुआएं दे दी। जब दिल पे करार हुआ हजरत मखदूम माखमी का, कहने लगे चलो उस जमीन पे चलते हैं जहां मखदूम माखमी कहते हैं, जहां खिजर पढ़ाने आते हैं, उस जगह पे जाके बैठे। जाते क्या कहते हैं? आप खुद फरमाते हैं हमेशा ये दस्तूर रहा, पहले मैं जाता था बाद में खिजर आते थे, लेकिन आज जब गया हूं मैं बाद में पहुंचा था, खिजर पहले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान, कहते खिजर पहले आ गए। मैंने कहा हुजूर, खुशी से मैं उछल गया। मैंने कहा आपने तो कहा था नहीं आएंगे, फिर क्यों आ गए? कहने लगे हमारा वादा था हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो? कहा रब ने भेजा है। रब ने भेजा है, क्यों? का इसलिए भेजा है खिजर तुम वादा करके आओ पढ़ाने नहीं जाओगे, पढ़ाने ना जा, मेरे मखदूम को सीने से सीना लगा के सारा पिलाने चला जा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मैं पढ़ाने नहीं आया, सीने से सीना लगा के देने आया हूँ। तारीख गवाह है, ये माँ की दुआ थी जो इल्म बंदे को 17 साल में 20 साल में घुटने रगड़ के आता है, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने माँ की दुआ के सदके में मखदूम माखमी को एक लम्हे में अता फरमा दिया। अपनी औलाद के लिए हाथ उठाया करे, औलाद के लिए हाथ उठाया। बहुत अच्छा। रातों को जागा करो गेम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ खुदा की कसम माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती हक है, हक दावे के साथ कह रहा हूं, पहुंचा देती हैं। सब जानते हैं बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग। रब ने वो कमाल चेहरे में बख्शा जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये किसका मामला है? बाबा फरीद गंजे शकर का मामला। देखता दावा हो गया एक दिन कोर्ट में कि ये कैद किया जाए इन्हें। कहा क्यों? कि जो इनका चेहरा देखता है वो मुसलमान हो जाता है। जब पेश किया गया ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया, जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, दावा क्या है? कहा साहब ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? वकीलों ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ। कहा जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना वरना फैसला ही बदल जाएगा। जज ने कहा हम भी तो देखें,
इस चेहरे को ये कमाल है कि नहीं। का फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ, जैसे कि बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा गए, जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है, ये तेरा नहीं ये मेरा कमाल है। कहा ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाया करे। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह क्या बात है। जिम्मेदारी है वो औलाद के लिए दुआ करें, खाली उस्ताद का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी अपने काम है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। मेहनत किया करें, ये इतने बच्चे आके बैठे ऐसा नहीं है। दीन कोई लेमिनेशन है, कुरान कोई सॉफ्टवेयर था जो दो घंटे में अपडेट हो गया, चारपाई पे लेटाया सुबह को हाफिज जी बन गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीखने में आता है। बेशक हक। और सिर्फ इसमें इन्हीं की मेहनत नहीं है, इन्हीं की कुर्बानियां नहीं है, बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी हक है, हक है। ये तलबा भी मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए वो बच्चे तोड़ के कदमों से लिपट जाए ना सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं, वो बाप शाम को लेके आए बेटा सो चुका हो, वो बीबी से कहता मेरा अब्दुलरहमान किधर है, कहा सो रहा है, कहा उठाओ ना, कहा सुबह देख लेंगे, कहा नहीं अभी उठाइए हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना अब्बा, उस मुस्कुराहट पे हजार बार कुर्बान हो जाता है, हजार बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और माँ जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है, सर्दी के मौसम में माएं कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम बाप का प्यार माँ का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए, अल्लाह जजाए खैर दे मोहब्बतों का, अल्लाह सिला अता फरमाए। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना तो जरा जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बाप ना भी सुनेंगे मैं इन चचा के लिए इंशाल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं, मोबाइल आप ना देखो हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, बहन निराला प्यार होता है, अनोखा प्यार होता है, लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से, कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा, बहन ने पोछा लगाया भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है, उसने चादर लगाई तुम आए कूद के बैठ गए, उसने कहा शर्म नहीं आती मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था, इंसानियत के तरीके से नहीं बैठ सकता, फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पे रोटी बनाने बैठी हो भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है फिर झगड़ा, वो कहती बनने तो दे, ये इतनी मोहब्बत है इतना प्यार। लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया है, जब बेटा कुरान पढ़ने के लिए जाता है, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, मुश्किल से 7 या 8 साल या 10 साल, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजरे करम चाहिए, उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं कभी नजरे जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल संवारती है, कभी सुरमे को संवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाएं लेती है, जब भाई रुख्सत होता है बार बार अपनी तरफ मोड़ के
मत्था चूम रखी है, माँ को देखो तो शकी, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवा रहा है। तलबा और लोग ये कह देते हैं माँ ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी माँ रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार, कभी आंखों देख के फैसला ना करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है, इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम, तू नहीं जानता है जब ये थक के आता था, इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद चुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना, बाप को तुझसे प्यार नहीं है। ओ यार, तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माओ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी, जा और खाली ना आना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना। भाई, बड़ी कुर्बानियां होती हैं माँ बाप की भी बेटों को पढ़ाने में। कभी जिगर का टुकड़ा अलग करके देखो दिल से तो पता लगता है, हाँ, किस दिल से माँ बाप बच्चों को जुदा कर देते हैं। ये क्या है? ये कुरान का प्यार है, ये कुरान की मोहब्बत है। मैं पढ़ने वालों से गुजारिश करूंगा, जिंदगी में कुछ बन जाओ ना, उन बहनों को ना भूलना जिन्होंने अपने दुपट्टों से तुम्हारी जूतियां साफ की है। उन रिश्तों को फरामोश मत करना जिन्होंने तुमसे पहले उठ के तुम्हारी तालीम के लिए तुम्हारे टिफिन तुम्हारे नाश्तों के इंतजाम किए। कभी तुम्हारी वजह से बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बड़ी कुर्बानी होती है। स्कूल वाले हो या मदरसे वाले हो, सब जानते हैं जब भाई घर से निकलने लगता है और कीचड़ में पैर सन जाए, दौड़ के आके कहता जूता सन गया, कोई कपड़ा ला के जूता साफ कर। बहन कपड़ा ढूंढने में वक्त नहीं लगाती, अपने सर की इज्जत उतार के तेरे जूते रगड़ने बैठ जाती है, कहती भाई तेरे पैर का धब्बा ना रहे, भले बहन के सर पे चादर रहे के ना रहे। आज वही बहने रोती नजर आती है, वही बहने रोती नजर आती है। आपसे गुजारिश है, आप कुछ भी बन जाना, इन रिश्तों को फरामोश ना करना। बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की हैं। भूल गए? मदरसे जाते थे, हमारे निकलने से पहले बहनें हमारे बैग तैयार करती थी, हमारे कपड़े तैयार करती थी, और आने से पहले कहती थी अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है, अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है। खुदा की कसम, बहन के चेहरों में माँ के चेहरे नजर आया करते हैं। कभी इनकी कुर्बानियों को तो याद करो। आज शादी करके नजरअंदाज करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, बहनों के लिए दरवाजे बंद ना किया करो, इनके लिए दरवाजे खोल दिया करो, और कह दो बहन दिल तोड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर बाप है या ना है फिक्र ना कर, जब भी तेरा जी चाहे, जब भी तेरी तबीयत में हो, तू कदम उठाना, चली आना, बाप हो ना हो, इस चौखट पे तुझे बाप का चेहरा जरूर नजर आ जाए। की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है, मंजिल से बहुत दूर हमें। सिंगल फैमिली, सेफ फैमिली, ये जो प्लानिंग तुमने चलाई है ना, इसने कौम का बेड़ा गरक करके रख दिया, बेड़ा गरक करके रख दिया। बुलाया करो कभी बहनों को, भाइयों को भी बुलाया करो, कभी खिलाया करो दस्तरखान पे इन्हें, कभी अपने हाथ से रोटी निकाल के तवे में से ला, क्या बहन याद है जब मैं 8 साल का था तूने रोटी बनाते हुए हाथ जला लिया था, लेकिन मुझे ताजा खिलाई थी, आज मेरे घर में तुझे ताजा रोटी मिलेगी। कभी ये कह के खिलाना बहन को, फिर देख कितनी दुआएं देती है। बहनें वली बना देती हैं यार, बहनें वली बना देती हैं। इनकी दुआएं लेते रहा करो, दावे के साथ कहता हूं, जिन घरों में बहनों के हिस्से का रिस्क रहता है ना, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बहनों की भाइयों के लिए।
और एक बात याद आ गई, ये भी कह जाऊं, अक्सर छोटे भाइयों की कामयाबी में बड़े भाइयों की मेहनतें होती हैं। हमारा मुआशरा बड़ा जालिम हो गया है, बड़ा भाई हल चला के ट्रैक्टर ट्राली चला के मजदूरियां करके छोटे भाई को सारा वक्त दे के कहता है, यार मैं पढ़ूं ना पढ़ूं लेकिन तुझे बुलंद करना है। अक्सर भाई ये कहते हैं, तू ऊंचा हो जाएगा ना मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, जो मेडल तेरे छाती पे लगा होगा उसकी गर्मी मेरे सीने में महसूस होनी है। ये सोच के भाइयों ने भाइयों को पढ़ाया, कलम लगाया, जरा सी सिपट्टिया क्या बनी, सारी गर्मी उसी भाई पे दिखाई जाती है जिसकी वजह से बदन पे वर्दी आई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारी गर्मी उसी भाई को दिखाई जाती है जिसकी वजह से जेब पे पेन लगा गए, जिसकी वजह से ये कपड़े आए हैं। खुदा के वास्ते अगर आप कुछ बन जाओ तो अपने एहसान करने वालों का एहसान ना भूलना, मत भूलना कभी भी, उन्हें बैठाना सामने रख के कहना, भाई बाप कमजोर था, तेरा एहसान है, तूने बाप वाली जिम्मेदारी निभाई है। क्या ये मुआशरे में नहीं होता हमारे? सही बात। बड़े बेटे को माँ बाप उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो जीने के लायक होता है। हक है तुम्हारा, बेटा है तुम्हारा, इस्तेमाल करो, लेकिन जब अलहदा करो तो फिर इंसाफ करो। जब उसके बच्चे जवान हो गए, कमाई के जराए बंद हो गए, अब कहते हैं तू अलग हो जा, अब जो उसने जिंदगी भर कमाया वो तो तुम्हें खिलाता रहा, अब बच्चों की शादी के लिए भीख मांगेगा वो? बताओ, चोरी करे, ब्याज पे पैसा ले, आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस बेटे की कमाई तुमने 12 साल खाई है उसके बच्चों को बच्चों की तरह पाला है, आसानी से अलहदा ना करो, जिस तरह उसने पूरे परिवार को अपने परिवार की तरह पाला है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके बच्चों की शादी मिल बांट के करो ताकि पता चले ये अलग समाज नहीं है बल्कि ये एक ही चमन के गिरते हुए सारे फूल, वरना कयामत में हिसाब देना मुश्किल पड़ जाए। चाहे भाई हो चाहे बाप हो, अल्लाह के यहां जब तराजू लगेगी तो कुछ कम बढ़ती नहीं होना है, उस तराजू में सारा तोला जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है इंसाफ करें, आप पढ़ गए आगे बढ़ गए, बाप को इज्जत दे, मां को इज्जत दे, बहन को इज्जत दे, रिश्तेदारों को इज्जत दे। तो मैं अर्ज कर रहा था ये मदरसे आते हैं, कितनी सारी कुर्बानियां रह गई, कितनी सारी कुर्बानियां, यूसुफ भाई और शुएब भाई हजरत, करीबन जितने लोग भी यहाँ तक के अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामज़ल्लाहु अलैहि भी, मैं सभी को शामिल करके ये बात कहता हूँ कि मदरसों की जिंदगी हम सब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है नमक कम भी होता है, कई बार ज्यादा भी होता है, कई बार चावल कच्चे भी होते, कई बार पक्के भी होते, ऐसा होता है कि नहीं? कई बार पक्के भी चावल होते, लेकिन माँ बाप जानते हैं ये वहां जा रहा है जहां कोई मेरे बेटे से जायका भी नहीं पूछेगा। ये अच्छी तरह जानते हैं माँ बाप कि यहां जरा सा जायका खराब हो जाए, बेटा कहता अम्मी नहीं खाना है, मां दोबारा 10 मिनट में जाके बना के कहती बेटे ये खा ले, बेटे के कहने पे 10 मिनट पे खाना तब्दील कर दिया जाता है। वो भाई ये मदरसे जा रहे हैं जहां शायद खत्म हो जाए तो किसी से दोबारा ना मांग सके, दोबारा किसी से यह ना कह पाए मुझे और चाहिए। ये उस जमीन पे जा रहे हैं जहां पे नमक कम हो या ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं होगा, मां बाप सारी चीजों को सोचते हुए दिल पे पत्थर रखते हैं। मदरसों की जिंदगी देखो, बेटे जब घरों पे रहते हैं माएं हर दूसरे तीसरे दिन चादरें बदल देती हैं, बिस्तर नए पुराने बदले जाते रहते हैं, लेकिन मैं मदरसे के अंदर आने वाले तलबा को जानता हूं, कितने ऐसे तलबा होते हैं जो एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार देते हैं और इतने करीब घर से ताल्लुक रखते हैं कि पैर रखो तो उनके बिस्तर पे फर्श की सर्दी महसूस होती है, लेकिन खुदा की कसम लेकिन मदरसे में आने के बाद उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। माँ जानती है हमने 3 साल पहले जो गद्दा लेके दिया था आज
आज भी बेटे के नीचे भी छा गए। जब बेटा आके कहता है अम्मी इस बिस्तर पे नींद नहीं आती है, अब्बा सर्दी लगती है, बेटा बेटा जब इतना कहता है बाप बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहता है यार तू शेर का बेटा है, सर्दी की शिकायत कर रखा है, वो ये नहीं कह सकता तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो तुझे गद्दा दिलाया जा सके, इतना पैसा नहीं है जो रजाई दिलाई जा सके, फिर भी बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहता है तू तो शेर का पट्ठा है, तू तो बहादुर बेटा है। उसी बिस्तर पे 7 साल बेटा गुजार लेता है, लेकिन तारीख गवाह है आज तक कोई बच्चा उस सर्दी की वजह से नहीं मरा है जो बिस्तर पे लगी हो। आज तक हर तालिब इल्म की हिफाजत रहती है, अगर यही बच्चा घर पे रहते हुए जरा सा फर्श पे पैर रख दे तो पसली चलती है, कुर्बान जाओ मदरसों पर। वजह सिर्फ इतनी है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आते हैं रसूल पाक देखभाल किया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। इसलिए अपने बच्चों को कुरान के हवाले करो, बहुत अच्छा पैगाम। अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को कुरान दो। ये कुरान की बरकतें हैं कि बच्चे जमीन के ऊपर महफूज हैं, इंतकाल के बाद देखना ये कब्र के अंदर भी महफूज रहेंगे। ये कुरान का एजाज है। मैं ये बात आपसे कह रहा था, बड़ी कुर्बानियां इनमें लगी हैं, बड़ी मेहनतें लगी हैं इनके साथ माँ बाप की, बड़ी कुर्बानियां हैं घर वालों की। मेरी गुजारिश है पढ़ने वालों से, आखिरी बात कह जाऊं, इजाजत है ना, अभी 5 मिनट और चले, 5 मिनट और अभी तैयार हैं। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें यार रसूल अल्लाह सलामत रहो जियो, अल्लाह आपको बरकत अता करे। भाई ये कुर्बानियां अल्लाह जाये नहीं फरमाएगा बेशक। अब मैं इन हाफिजों से बात करता हूं सिर्फ, मेरे भाई आपको ना ये जो कुरान दिया गया है इसे बहुत संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। किस दिन के लिए? जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना, जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की